एक ऐसा समय था जब लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। कई किलोमीटर दूर चलकर पानी भरना पड़ता था और तो कई इलाके ऐसे थे जहां लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे। लेकिन पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने का काम किया गया। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है। इस योजना का लोगों को कितना लाभ पहुंचा है और लोग किस नजर से इस मिशन को देखते हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता यूपी के सहारनपुर गांव पहुंचे। लोगों का कहना है कि घरों में साफ पानी आने से उनके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ है। जहां पहले आए दिन दूषित पानी पीकर बीमार हो जाया करते थे, वहीं अब साफ पानी घर पर ही मिलने से वो खुश है। भाई फायदा जो है कि नीचे से पानी आओगा, बढ़िया पानी आओगा, बहुत फायदा, नहीं दिक्कत नहीं होने की, शायद बढ़िया पानी आओगा। भाई लगवाया तो सारे ने, और क्या हो, अच्छी है योजना, लगाएंगे ठीक चल रहा काम अपना, लगा दो सरकार ने तो देखा ठीक ठाक लग गए, पानी चालू तो है, फायदा तो खैर है ही, उसका पानी का भी फायदा है कि एक तो गहराई का पानी आ गया, जो नलके लग रहे इनका ऊपर पानी खराब होते जा रहे। इस मतलब हर घर में जो टंकियां लग रही हैं उनका हमें बहुत ज्यादा फायदा है, इससे बीमारी भी कम होती है। और जो मतलब जो ये सरकारी नलके थे ना, उनमें बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं पानी में, तो जो टंकी का पानी होता है वो साफ होके आता है, तो इसका फायदा हमें बीमारी से कम मतलब बचाव होते हैं। बीमारी कैंसर की ज्यादा दिक्कत होती है ना गंदे पानी से, उसमें कीटाणु भी ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छा कार्य है सर, बहुत परेशानी है, सच्चाई है, बहुत पहले परेशानी है, हमारे गांव के जो जल है सर है बहुत नजला बीमारी है, इससे बहुत ज्यादा सुधार होगा, बहुत ज्यादा फायदा है, टाइम पर पानी आओगा, अच्छा जल मिलागा, बीमारी से बचेंगे और टाइम पर सारे काम होंगे। सरकार का बहुत अच्छा कार्य है, हर जगह पहुँचा है इस काम को, हर गाँव में पहुँचा है, बीमारियों से बचेंगे। आपको बता दें कि इस योजना को पीएम मोदी ने 2019 में शुरू किया था और महज 4 सालों में उन्होंने 3 लाख गांव तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है। रोजाना प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का मानना है कि हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अभी लगभग 300 गाँव में काम पूरा हो चुका है, बाकी भी हम पूरा कर लेंगे, दिसम्बर 24 तक पूरा करना प्रस्तावित है और प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्च 24 तक पूरा कर। लाभ तो सभी को देना है क्योंकि हर घर जल तो देना है, जल तो लाभ सभी को देना है और शुद्ध पेयजल देना 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को देना है। प्रभावित में बहुत नहीं है, ज्यादा ज्यादा कम से कम 100-150 ही गांव प्रभावित रहे हैं। सहारनपुर समेत देश भर में हर घर तक जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है और यूपी की योगी सरकार भी इस मिशन में 2024 तक पूरा करने का भरसक प्रयास कर रही है। अब तक के रिकॉर्ड में योगी सरकार ने सबसे अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है। उम्मीद है कि इस 2024 तक देश के हर घर तक स्वच्छ पानी पहुँचाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सहारनपुर से संजय चौधरी की रिपोर्ट, नेटवर्क टेक।